गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग कहां तक कवर कर चुके थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने गैस्ट्रुलेशन कवर कर लिया था। गैस्ट्रुला फॉर्मेशन जब हमने देखी, तब हमने देखा कि उसके अंदर तीन तरह की जर्म लेयर बन चुकी थी। कौन कौन सी? मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म अंदर वाली, एक्टोडर्म बाहर वाली, और बीच वाली मेसोडर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, ये तीनों की तीनों जर्म लेयर तो हमारी बन गई, लेकिन ये जो जर्म लेयर है अब ये करेंगी क्या? ठीक है ना बच्चों, अब ये जर्म लेयर्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या बनाएंगी? ऑर्गन्स बनाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि आज जितनी भी जो भी पार्ट हमारी बॉडी का प्रेजेंट है वो इन तीनों जर्म लेयर से ही बना है। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थे उस टाइम पे हमारे चारों तरफ कुछ लेयर्स की कवरिंग थी जिनका नाम था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है ना, लेकिन वो बच्चों इन तीन जर्म लेयर से नहीं बनती। वो हमने पढ़ा था किससे बनती हैं? वो हमने पढ़ा था कि जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट है उसके बाहर की जो लेयर है कौन सी? ट्रोफोडर्म। ठीक है ना, या ट्रोफोब्लास्ट लेयर आप उसे बोल सकते हैं, उससे बनी थी। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे कि इससे आगे सर उन जर्म लेयर्स का क्या होगा। देखो बच्चों, अलग अलग जर्म लेयर अपने अपने ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करवाएगी। ठीक है ना, और जैसा ही वो अपने डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनवा रही होगी तो उसे हम कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी कि हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, दिस वन ऑर्गेनोजेनेसिस। देखो बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गन का बनना। ठीक है ना, बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंपल डेफिनेशन चाहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन बाय विच डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड बाय द थ्री जर्म लेयर्स। ठीक है ना, ये जो तीन जर्म लेयर हैं इनसे जब हमारे डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, तो उस कंडीशन को हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, और अच्छी डेफिनेशन बच्चों आप लिखना चाहते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, आप लिखिए मेरे साथ डेफिनेशन, लिखिए, लिखो बच्चे, सारे बच्चे डेफिनेशन लिखेंगे। वैसे तो सिंपली मैंने बता दी आपको, लिखिए द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जर्म लेयर्स इनिशिएट्स द फाइनल स्टेप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो जर्म लेयर हैं फिर क्या शुरू करेंगी? हमारे डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज को शुरू करेंगी, जिसका नाम है ऑर्गेनोजेनेसिस। अच्छा, आप देखिए बच्चों, एक ही जर्म लेयर है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो चलो तीन जर्म लेयर आ गई हमारे पास, एक, दो और ये तीन। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, मैंने सिंपल लाइन लगा दी, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब पहले तो ये तीनों जर्म लेयर ने जब अलग अलग बनी है और अलग अलग ऑर्गन बनाएंगी, तो टोटिपोटेंसी खत्म हो गई। अब टोटिपोटेंसी क्या थी? टोटिपोटेंसी थी बच्चों कि जो हमारी ब्लास्टोमियर्स थी, बेसिकली ये भी ब्लास्टोमियर से ही बनी क्योंकि शुरुआत ही ब्लास्टोमियर से हुई थी, उनके पास हर एक ऑर्गन बनाने की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है ना, लेकिन अब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर ना छह ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये छह अलग अलग तरह के ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, या पाए जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, पहले तो जो, अगर मान लो यहां पर
मान लीजिए यहां पर ये 6 सेल पड़ी हैं, तो ये 6 की 6 सेल या 8 सेल पड़ी हैं, तो ये 8 की 8 सेल के पास इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी सेल्स बनाने की। तो टोटिपोटेंसी हुई ना, ठीक है ना, टोटिपोटेंट सेल हुई ना। लेकिन अब डिफरेंशिएट हो गई यही सेल, अब हो सकता है कि पहला और तीसरा ऑर्गन तो ये बनाती हो बाहर वाली, चौथा और पांचवा ऑर्गन ये बनाती हो, दूसरा और छठा ऑर्गन ये बनाती हो, ठीक है ना। यानी कि जो सेल इस लेयर के पास है वो पांचवा छठा या इसके अलावा पहले और तीसरे को छोड़ करके कोई और ऑर्गन अब नहीं बना पाएगी। तो इसका मतलब हुआ क्या, डिफरेंशिएशन हो गई ना बच्चों, सेल्स के अंदर स्पेशलाइजेशन आ गई। सेल जो पहले टोटिपोटेंट थी अब वो टोटिपोटेंट नहीं रही, समझ आया ना। सेल के अंदर डिफरेंशिएशन हो गया कि अब आप सब कुछ नहीं, अब आपका काम केवल पहला और तीसरा ऑर्गन बनाना है, अब आपका काम केवल चौथा और पांचवा बनाना है, और आपका काम दूसरा और छठा बनाना है। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो बच्चों, सेल डिफरेंशिएशन हुई कि नहीं हुई, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस में होता क्या है, डिफरेंट सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल डिफरेंशिएशन होगी और सेल का एडहेरेंस पैटर्न चेंज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। तो लिखो डेफिनेशन पूरी करो, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, इट इन्वॉल्व्स, इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द सेल, स्पेशलाइजेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स इन द इंडिविजुअल जर्म लेयर्स। एक एक जर्म लेयर के अंदर ये सेल अपने अपने ग्रुप बना लेंगी, क्यों, डिफरेंशिएट होने के बाद भी स्पेशलाइज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इस लेयर को पहला और तीसरा बनाना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कहीं मर्जी से बन जाएगा, है ना। मान लीजिए कि यहां पर जो सेल प्रेजेंट है वो फर्स्ट बनाएगी, यहां वाली थर्ड बनाएगी, ऐसा हो सकता है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया कि नहीं बन गया, जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन आ गया, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन। समझ आया कि नहीं आया। मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आप लिख सकते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जर्म लेयर्स इनिशिएट्स द फाइनल फेज of embryonic development, that is organogenesis, in which or it involves differentiation and specialization of the groups of cells in the individual germ layers. समझ आ गया। तो इसे बोलते हैं बच्चों हम क्या, organogenesis। अब आपको समझना है कि organogenesis में कि कौन, दो चार organ हम बताएंगे कब कब बनते हैं, ठीक है, और क्या क्या मेजर चेंजेस बच्चे के अंदर आते हैं, डेवलपिंग बेबी के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, बाय द 4th week आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बाय 4th week आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ठीक है, जो 4th week जब पूरा होता है तब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल हार्ट अकर, इसको आप 1 month भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल हार्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया कि हार्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, सबसे पहला साइन है प्रेगनेंसी का, जिसे डॉक्टर सुन सकता है स्टेथोस्कोप के साथ, ठीक है ना। आप इसे लिख भी सकते हैं, इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी और ग्रोइंग फिटस, साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस, ठीक है, इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस, जिसे सुना जा सकता है, लिख लो आप, लिसनिंग विद स्टेथोस्कोप, ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि हाँ बेबी की डेवलपमेंट प्रोसीड कर रही है,
समझ आया बच्चों आपको? सेकंड सेकंड मंथ में, बाय द सेकंड मंथ, मंथ क्या होगा? सेकंड मंथ में क्या होता है, जो लिंब बड्स हैं, लिंब निकलने वाली बड्स जो हैं और आई रूडिमेंट जो है बेबी की, वो बन जाती हैं, फीटस कहेंगे हम, ठीक है ना? लिंब बड्स एंड आई रूडिमेंट्स। बच्चों इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये ऑर्गन या ये डेवलपमेंट किस मंथ में कंप्लीट होती है, अगर आया तो, ठीक है ना? ऑफ फीटस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि इसी स्टेज पर टेल और फेरेंजल पाउचेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इट ऑल्सो हैज टेल, लिखो बच्चों इसको नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेना। इट ऑल्सो हैज टेल, टेल होती है इस टाइम पे, और फेरेंजल पाउचेस एंड फेरेंजल पाउचेस प्रेजेंट। इसी स्टेज पर बच्चे के पास, बच्चे जिसे मैं बोल रहा हूं वो फीटस की बात चल रही है, ग्रोइंग फीटस के पास टेल की फॉर्मेशन भी होती है हल्की सी, और फेरेंजल पाउचेस भी उसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये क्या है? ये बच्चों एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है कि एवोल्यूशन कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है कि हम भी, हमारा जो एंसेस्टर है वो कभी ना कभी कॉमन रहा होगा। लेकिन क्या होता है बच्चों, बाद में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर हैं डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है ना? टेल एंड फेरेंजियल पाउचेस डिसअपियर लेटर इन डेवलपमेंट। लिख दो बच्चों, डिसअपियर इन लेटर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं होता कि एज इट इज रहते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है? समझ आ गया आपको? चलिए तो इसके बाद क्या होगा, सेकंड मंथ हो गया बच्चों। देखो टोटल नाइन्थ मंथ का जो पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 280 डेज जिसे हम बोलते हैं, और नाइन मंथ बोलते हैं, हमने उसको डिवाइड किया हुआ है किसमें, देखिए जीरो डे यानी कि फर्टिलाइजेशन, और यहां पे हो गया नाइन मंथ कंप्लीट, तो यहां पे आ गया थ्री, ये आ गया सिक्स, है ना? तो इस एक प्रेगनेंसी पीरियड को हमने तीन ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज सेकंड, एंड दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मैंने तीन महीने का एक पीरियड, ट्राइमेस्टर, ठीक है ना? तो क्या होता है, बाय द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, तो आप लिखेंगे मेरे साथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहला ट्राइमेस्टर खत्म जब होता है तो क्या होता है, नियर अबाउट मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड, most of the major organ system formed, ठीक है बच्चों? most of the organ system जो है वो पहले trimester में formation उनकी हो जाती है, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद क्या होगा, ठीक है? इसके लिए हम एक बहुत अच्छा word use करते हैं, और इस time पर जब ये फॉर्मेशन हो जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, बेसिकली बच्चों इस टाइम पर हम उसे क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। एट दिस स्टेज
स्टेज कॉल्ड फीटस। समझ आया आपको? एट दिस स्टेज कॉल्ड फीटस, ठीक है। अब उसके बाद जो बारी आती है, जो अक्सर क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है कि बेबी की जो पहली मूवमेंट होती है मदर वूम के अंदर वो कब होती है, और बेबी के हेड के ऊपर पहले बाल कब फॉर्मेशन उनकी होती है, हेयर्स ऑन द हेड, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद तो सारी बॉडी के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेक्यूने, ठीक है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट मूवमेंट कब होती है बेबी की, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फर्स्ट मूवमेंट और प्लस यही साथ में लिख रहा हूं, हेयर्स ऑन हेड, हेयर्स ऑन हेड कब आते हैं ये दोनों के दोनों बच्चों, कब आते हैं दोनों की दोनों चीजें, कब होती हैं, फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन आता है कि पहली मूवमेंट बेबी कब करता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी, फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है बच्चों। तो पांचवें महीने में क्या होता है, फिफ्थ मंथ होता है हमारा प्रेगनेंसी का, और अब ये डेवलपमेंट कंटिन्यू चलती रहेगी और सारी बॉडी के अंदर ऊपर हेयर्स आ जाएंगे जो मैमल्स का करेक्टर है। उसके बाद जो हमारे ये ऑर्गन सिस्टम बने थे इनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और बेबी जो है एंड तक पहुंचते पहुंचते फुली डेवलप हो चुका होगा, और लास्ट में अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन हो जाएगा। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ अ बेबी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर एक मेजर पॉइंट रह गया। अब आपको पता है कि हार्ट भी बनना है, किडनी बननी है, आई भी बनना है, लीवर भी बनना है, गट भी बनना है, ये सब कौन बनाता है, कौन कौन बनाता है, ये भी ऑर्गेनोजेनेसिस में ही आता है। क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन कौन करेगा, जर्म लेयर करेंगी। ये तो हमने केवल टाइम पीरियड बताया आपको, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की ऑर्गेनोजेनेसिस के, फेट ऑफ जर्म लेयर। फेट का मतलब है कि कौन सी जर्म लेयर का क्या भाग्य है, वो फ्यूचर में क्या बनाएगी, ठीक है, दैट इज द फेट ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ बच्चों, फेट ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर तीन है बच्चों। पहले आप लिखो नंबर वन, सबसे पहले लिखेंगे एक्टोडर्म, सबसे पहले वाली क्या लिखोगे, एक्टोडर्म। अब हम ये देखेंगे कि एक्टोडर्म जो लेयर है वो कौन कौन से ऑर्गन बनाएगी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नंबर वन एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जो है बच्चों, लिखो मेरे साथ साथ, नंबर वन एक्टोडर्म से क्या क्या बनेगा, नंबर वन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन नहीं बोलना बच्चों, क्योंकि स्किन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट है डर्मिस और एक है एपिडर्मिस। तो स्किन का जो हमारा एपिडर्मिस पार्ट है वो बनाती है कौन, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म कौन बनाएगा, ठीक है ना, यानी कि आप लिखो एपिडर्मिस ऑफ ऑफ स्किन, ठीक है ना। एपिडर्मिस का मतलब पता क्या, देखो ये होता है, अगर ये स्किन का पोर्शन है ना पूरा, ये आउटर है ये इनर, तो ये ऐसे होती है, ये डर्मिस ये एपिडर्मिस, केवल एपिडर्मिस बनाती है एक्टोडर्म, याद रखना, ठीक है, पूरी स्किन मत कर देना। एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, जो क्या क्या हो सकते हैं, ग्लैंड्स, हेयर्स, नेल्स, ठीक है ना, लिखो मेरे साथ बच्चों, इनको याद रखना है, रट्टा मारना है, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये एपिडर्मिस की ही एक लेयर की मॉडिफिकेशंस होती है, ठीक है ना, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या क्या होंगे, ग्लैंड्स, नेल्स, हेयर्स,
ठीक है बच्चों, तो ये किसके हैं? एक्टोडर्म के। नंबर टू, सेकंड, और बताओ क्या बनेगा, सोचो बच्चों, मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप लिखेंगे साथ साथ। नंबर टू नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों, नर्वस सिस्टम। नंबर थ्री, तीसरे नंबर पे लिखो मेड्यूला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, मेड्यूला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। पहले आप ये बताओ बच्चों आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है बच्चों आवाज मेरी? मैं लिखता चला बोलता चला जाऊंगा, आप लिखना, केवल नाम लिखने हैं, ठीक है? ओके, चलिए आ रही है, लिखो मेरे साथ साथ। नंबर थ्री मेड्यूला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी के एंटीरियर ग्लैंड नहीं होगी, ठीक है, याद रखना बच्चों, एंटीरियर लोब नहीं होगी, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड, जो एपिथैलेमस के ऊपर बैठी हुई थी, ठीक है ना, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये लो पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट, किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या थी हमारी? पीनियल ग्लैंड। और बच्चों आई, लेकिन कंप्लीट आई नहीं लिखना, आई के सामने एरो लगाओ, कौन कौन से पार्ट आई के, ध्यान रखना है यहां पे, बहुत जरूरी। लिखो आई में कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, कंजक्टाइवा, आप पूरा लिख लेना, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ठीक है, आयरिस, आयरिस भी होता है, IRIS, आयरिस, और सिलियरी मसल्स, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये आई का पार्ट जो है कौन बनाता है? एक्टोडर्म से बनता है। कौन कौन सा? कंजक्टाइवा, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, आयरिस और सिलियरी मसल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंटरनल ईयर, नेजल एपिथीलियम, कान का केवल अंदर वाला भाग, इंटरनल ईयर। नेक्स्ट इज क्या होगा? नेक्स्ट नेजल एपिथीलियम, ठीक है, नेक्स्ट नेजल एपिथीलियम के बाद बच्चों लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो बाहर वाली ऑडिटरी मीटस थी ना, 11th में पढ़ाया था हमने, पिन्ना से गई थी, उसकी लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। नेक्स्ट इज लैक्रिमल ग्लैंड, नेक्स्ट इज LACRY, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, टीयर्स ग्लैंड, लिखो बच्चों साथ में, टीयर कह रहा हूं सॉरी, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। और एक और चीज बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, क्या? एनामल ऑफ टीथ, एनामल पता है ना आपको, कैसे सर? एनामल को बनाने वाली सेल कौन सी होती है? मैं साथ में वैसे ही मेंशन कर रहा हूं, एमिलोब्लास्ट सेल, ठीक है ना, AMELO, एमिलोब्लास्ट सेल। और एमिलोब्लास्ट सेल का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। और डेंटाइन बनता है बच्चों किससे? डेंटाइन बनता है हमारा ओडोंटोब्लास्ट सेल से, ठीक है ना, जिसका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा किसका, किसके हो गए सारे, ये हो गए हमारे एक्टोडर्म के। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट इज एंडोडर्म, एंडोडर्म क्या क्या बनाएगी, या मीजोडर्म लिख लो पहले, चलो
क्योंकि बीच में होती है, ठीक है ना। सेकेंड इज मीजोडर्म, लिखो बच्चों मेरे साथ मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म के अंदर सबसे पहले लिख दो डर्मिस ऑफ स्किन। अब समझ आया बच्चों, ठीक है ना। डर्मिस ऑफ स्किन किसने बनाई? मीजोडर्म ने बनाई। लिखो मोस्ट मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट ऑफ द मसल्स हमारी बॉडी की और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पूरा लिखेंगे बच्चों आप, ठीक है। उसके बाद पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या होता है बताओ? कवरिंग होती है ना, पेरिटोनियम लेयर, दैट इज द पेरिटोनियम। नंबर फोर किडनी, नंबर फाइव कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, किडनी नंबर फाइव। एड्रिनल ग्लैंड कहां थी बच्चों? किडनी के ऊपर। लेकिन किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड बैठी हुई है उसका जो कोर्टेक्स रीजन है केवल वो, क्यों? मेडुला किसने बनाया था? मेडुला बनाया था एक्टोडर्म ने। अगर ना मेंशन किया हो तो कर लो, कोर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और अगर बात करें मेड्यूला की तो मेड्यूला किसने बनाया था? एक्टोडर्म ने। अगर वहां मेंशन ना किया हो तो बच्चों कर लो दोबारा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट इज गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं? टेस्टिस और ओवरी। गोनेड्स मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी, ठीक है। गोनेड के बाद बच्चों लिखो यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, यानी कि यूरेथ्रा, ठीक है ना। और जो भी हमने रिप्रोडक्टिव डक्ट पढ़ी थी, बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट जो हैं वो भी मीजोडर्मल इन ओरिजन है, ठीक है। उसके बाद हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, हार्ट ब्लड एंड लिम्फ वेसल, ठीक है ना। हार्ट ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स लिखो बच्चों फटाफट, सिंपल सी बातें हैं, केवल ऑर्गन के नाम लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट इज स्प्लीन, नेक्स्ट इज स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन और स्प्लीन के बाद बच्चों जो टेंथ है हमारा वो क्या है? लिखो मेरे साथ जो इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन भी उसमें आता है, क्या है? वॉल ऑफ गट, गट की वॉल। लेकिन उसके साथ लिखो एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट लिखो वॉल ऑफ गट एक्सेप्ट इट्स लाइनिंग एपिथीलिया, एक्सेप्ट इट्स लाइनिंग एपिथीलिया, ठीक है ना। गट वॉल किसको छोड़कर? लाइनिंग एपिथीलिया, ठीक है ना। उसकी लाइनिंग एपिथीलिया को छोड़कर के गट वॉल कौन बनाती है? मीजोडर्मल लेयर बनाती है। लिखो पेरिकार्डियम एंड प्लूरा, हार्ट के चारों तरफ की कवरिंग, दैट इज पेरिकार्डियम एंड प्लूरा, पी एल ई यू आर ए, ठीक है। अब आई के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी? स्क्लीरा एंड कोरोइड ऑफ आई। आई के अंदर देखो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, आई के अंदर कौन सा? स्क्लीरा एंड क्या लिखोगे? सेकंड इज स्क्लीरा एंड कोरोइड ऑफ आई, सी एच ओ आर ओ आई डी,
स्क्लीरा एंड कोरोइड। ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, देखो कौन एंडोडर्मल, सॉरी कौन एंडोडर्मल, कौन मेसोडर्मल और कौन एक्टोडर्मल, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्केलेटन, इसी में लिखेंगे मोस्ट ऑफ द स्केलेटन, डेंटाइन ऑफ टीथ, अभी बताया था मैंने आपको ओडोंटोब्लास्ट सेल से, ठीक है ना, डेंटाइन ऑफ टीथ, एंड लास्ट इज नोटोकोर्ड। टीथ के अंदर डेंटाइन एंड लास्ट इज नोटोकोर्ड, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब आप लास्ट में लिखेंगे एंडोडर्मल। देखो बच्चों इसमें समझने का कुछ नहीं है, आपने केवल रटना है कि कौन सा पार्ट कौन बनाता है, ठीक है ना। लास्ट इज एंडोडर्म के अंदर वाली जो लेयर है हमारी वो क्या बनाएगी, थर्ड लेयर है हमारी, दैट इज द एंडोडर्म। ठीक है, तो एंडोडर्म के ऑर्गन्स लिखेंगे बच्चों, लाइनिंग ऑफ गट, जो लाइनिंग रह गई थी गट की वो ये करती है, लेकिन दो पोर्शन को छोड़ करके, लिखो लाइनिंग ऑफ गट एक्सेप्ट स्टोमोडियम एंड प्रोटोक्टोडियम, लाइनिंग ऑफ गट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट, लिखो बच्चों, नंबर वन स्टोमोडियम एस टी ओ एम ओ डी ए ई यू एम स्टोमोडियम एंड प्रोक्टोडियम पी आर ओ सी टी ओ पी आर ओ सी टी ओ डी ए ई यू एम प्रोक्टोडियम एंड स्टोमोडियम, ठीक है, इनको छोड़ करके, बस आपने याद रखना है, रट्टे मारने हैं केवल, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम भूल जाते हैं अक्सर, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली याद रखना है आपने क्या करना है, एक ही पेज के ऊपर एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म बना करके उसी की लिस्ट बनानी है, ठीक है, याद रहेगा फिर आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्टमक वाली और इंटेस्टाइन की ग्लैंड, टंग एपिथीलिया, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, नंबर थ्री टंग एपिथीलिया, लीवर, पैंक्रियाज, लीवर, इसी के साथ लिख रहा हूं पैंक्रियाज, ठीक है, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, वहां पे हमने क्या किया था, केवल पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट की बात पढ़ी थी, ठीक है ना, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है बच्चों, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। उसके बाद लिखो बच्चों थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना, ये भी ग्लैंड है आपको पता ही है, 11th में पढ़ी है आपने, ठीक है। उसके बाद लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स, इनकी लाइनिंग बनाती है, ठीक है ना, कवरिंग लाइनिंग जो होती है, इंटरनल लाइनिंग जो होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर,
लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर एंड लास्ट इज ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट. प्रोस्टेट का मोस्टली पार्ट एंडोडर्मल इन ओरिजन होता है. ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट. समझ आ गया बच्चों? तो ये था हमारा फेट ऑफ जर्म लेयर्स. ठीक है, क्लियर हो गया. इनको आपने बच्चों याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी. ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आएगा, अगर आएगा तो. इसका कोई भी हमारा ऑप्शन भी नहीं है. ठीक है, चलिए यहां तक पूरा हो जाता है बच्चों. अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं. ठीक है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, फेट ऑफ जर्म लेयर कंप्लीट हो गया क्योंकि उसी ने ऑर्गन्स बनाए. अब आपको पता चल गया होगा कि ऑर्गेनोजेनेसिस में कौन कौन सा ऑर्गन किस लेयर ने बनाया. ठीक है ना, क्लियर हो गया. चलो अब बात करते हैं बच्चों. आपको दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि एक तो हमारा डेवलपमेंट के दौरान डेसीडुआ रह गया, वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. ठीक है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, दो तीन मेजर से पॉइंट मेरे साथ लिखेंगे छोटे छोटे, जैसे कि जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टोसिस, जो आपके टिप्स पे होने चाहिए. देखो जाइगोट लिखो बच्चों मेरे साथ, जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट. क्या हो जाएगी लास्ट इज ब्लास्टोसिस्ट. अब इनके करेक्टर तो आपको पता है, इनके करेक्टर तो बच्चों आपको चारों के पता हैं. ठीक है, लेकिन बस आपने एक एक टिप्स पे अपना एक एक वर्ड याद रखना है. क्या अक्सर हम ना इनके टाइम पे ध्यान नहीं देते और टाइम से ही क्वेश्चन आ जाता है. तो आप लिखो जाइगोट कब बनता है, 12 से 14 घंटे आफ्टर द ओव्यूलेशन. ठीक है ना, जाइगोट कब बनता है, 12 to 14 hours आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है, ठीक है बच्चों. अब क्लीवेज कब होती है, क्लीवेज होती है बेसिकली 30 घंटे से लेकर के 3 दिन तक. सर इसका मतलब तो ये हुआ कि माइटोसिस रुक जाती है? नहीं, अभी बताता हूं आपको. 30 आवर्स से लेकर 3 दिन तक चलती है. क्यों? क्योंकि फिर मोरूला बन जाता है, उसका नाम आ गया ना, स्पेसिफिकली एक नाम आ गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब ओव्यूलेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोरूला जो बनता है बच्चों, लिखेंगे मेरे साथ, 3rd to 4th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 3rd to 4th day. ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट कब होती है, ब्लास्टोसिस्ट होती है 5th day to end of 2nd week. ठीक है, 5वें दिन से लेकर के और 2nd week के लास्ट तक ये चल सकती है. 5th day to end of 2nd week. आपको पता होना चाहिए कि होलो बॉल की फॉर्म में होती है, अंदर से खाली होती है, एक साइड पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है इसलिए खाली होती है ना अंदर से. तो लिखो 5th day to end of 2nd week. ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर हम इसे भूल जाते हैं. और इम्प्लांटेशन अगर कोई पूछ ले तो नियर अबाउट, अगर सब कुछ नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग चले प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो 6th to 7th day पे क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है. क्यों? क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट 5वें दिन पर बन गई तो 6th-7वें दिन पे नियर अबाउट इम्प्लांटेशन हो जाती है. ठीक है बच्चों, उसके बाद आप एक वर्ड लिखेंगे, हेडिंग बनाओ डेसीडुआ. लिखो बच्चों डेसीडुआ.
DECIDUA डेसिडुआ या डेसिडुअल सेल्स, ठीक है ना बच्चों? क्या होता है देखो, बेसिकली मैं आपको जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एक लेक्चर कॉमन दूंगा, कॉमन जिससे कि पूरी की पूरी थ्योरी को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना? वो कॉमन लेक्चर हर बच्चे को अटेंड करना कंपलसरी होगा, ठीक है? लेकिन वहां भी ये डेसिडुआ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे केवल। क्या होता है बेसिकली, जब इम्प्लांटेशन होती है तो जो हमारा यूट्रस की लेयर की जो सेल्स होती हैं, वो कुछ एक सेल अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस ला करके मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है ना? क्या करने के लिए? वो हेल्प करती हैं बेबी की केयर के अंदर, ठीक है ना? और उन मॉडिफाइड सेल को डेसिडुआ बोलते हैं। वो डेसिडुआ बच्चों तीन तरीके का होता है, लिखो मेरे साथ साथ। आफ्टर इम्प्लांटेशन, चलिए मैं लिखता हूं पूरी डेफिनेशन लिखेंगे आप। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है? लिखो यूट्रिन म्यूकोसा, यानी कि यूट्रस का म्यूकोसा, आप ब्रैकेट में एंडोमेट्रियम भी लिख सकते हैं, यूट्रिन म्यूकोसा, यूटेराइन म्यूकोसा, ब्रैकेट में आप एंडोमेट्रियम भी लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि एंडोमेट्रियम ही तो होती है ना वहां पे, है ना? अंडरगो चेंजेस एंड गेट्स मॉडिफाइड, अंडरगो या शो चेंजेस एंड गेट्स मॉडिफाइड, ठीक है? और मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है? बड़ी बड़ी हो जाती है, मैं डायग्राम में बनाऊंगा बच्चों, जब आपको कॉमन लेक्चर दूंगा तब समझाऊंगा। दिस मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड डेसिडुआ, एंड दिस मॉडिफाइड म्यूकोसा ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड डेसिडुआ। और जो सेल मॉडिफाइड होंगी दैट आर द डेसिडुअल सेल्स, वो क्या हो जाएंगी? डेसिडुअल सेल्स हो जाएंगी, ठीक है बच्चों? क्लियर? उसके बाद ये जो डेसिडुआ है ये बेसिकली बच्चों कहीं कहीं लेयर्स ही बना लेता है, ठीक है? ये मैं बताऊंगा आपको डायग्राम में, आपको क्लियर समझ आएगा। आज केवल आप समझो, देखो यहां पे ये यूट्रस है, लो ये यूट्रस की लेयर है, ये कैविटी है, यहां पर इम्प्लांटेशन हो गई, ये लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है ना? क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां पर क्या होता है, जो म्यूकस की सेल्स होती हैं ये अपने अपना साइज बड़ा कर लेती हैं, सिक्रीटरी हो जाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लग जाती है, म्यूकस सिक्रीट करने लग जाती है। दीज आर द डेसिडुअल सेल्स, समझ आया? पहले छोटी छोटी थी यहां पर, अब बड़ी हो गई है। दीज आर द डेसिडुअल सेल्स, समझ आया आपको? ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से कराऊंगा बाद में, अभी तो लिखो। लिखो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन, तीन पोर्शन के अंदर ये डिवाइड हो जाती है फिर बाद में, थ्री पोर्शन। नंबर वन लिखो बच्चों मेरे साथ, डेसिडुआ बेसिलिस, बिजेलिस भी इसको बोलते हैं, डेसिडुआ BASALIS, ठीक है? लिखो इसके बारे में क्या होती है, ये कहां होती है, लिखो बच्चों मैं बोल रहा हूं। इट इज द मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ यूट्रिन एंडोमेट्रियम, इट इज द मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ यूट्रिन एंडोमेट्रियम दैट लाई बिटवीन, कहां पे रहेंगी, कहां प्रेजेंट होंगी, क्योंकि मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम सेल तो है ही है, हमने पहले ही पढ़ लिया। दैट लाई बिटवीन कहां पर बच्चों, एम्ब्रियो एंड यूटरिन सिरोसा, यानी कि मायोमेट्रियम वाली जगह पर,
एम्ब्रियो एंड एंड यूटेरिन सिरोसा, SEROS है, ब्रैकेट में कर दो मायोमेट्रियम, ठीक है मायोमेट्रियम, यानी कि ये सेल यहां पे मॉडिफाई होकर कहां बैठी है, एम्ब्रियो के बीच में और सिरोसा के बीच में बैठी है, ठीक है क्लियर हो गया। लिखो दिस बिकम्स द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, और बाद में क्या बनाएंगी, मैटरनल, मैटरनल मतलब मदर, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का टॉपिक रह गया बच्चों हमारा, देखो अगर कोई पूछ ले प्लेसेंटा क्या होता है, सर प्लेसेंटा एक नेटवर्क है जो मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन बनवाता है, और ट्रू प्लेसेंटा दो चीजों से बनता है, कौन सी चीजें होती हैं, एक होता है बेबी की तरफ से प्लेसेंटा, एक होता है मदर की तरफ से प्लेसेंटा। बेबी की तरफ से जो प्लेसेंटा बनता है उसे अम्बेलिकल कॉर्ड बोलते हैं, और मदर की तरफ से क्या बनता है, मैटरनल प्लेसेंटा। ये मैटरनल प्लेसेंटा, ये अम्बेलिकल कॉर्ड, जब दोनों आपस में आकर के जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, ट्रू प्लेसेंटा। यानी कि ट्रू प्लेसेंटा इज फॉर्मड बाय बोथ ऑफ द टिश्यू, मदर एंड फीटस ऑल्सो, दोनों से बनता है, ठीक है ना। तो डेसिडुआ जो मदर पार्ट है वो डेसिडुआ बिसेलिस से बनता है, समझ आया आपको, क्लियर। सेकंड डेसिडुआ कैप्सुलरिस, सेकंड जो पार्ट है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, कैप्सुलरिस देखो नाम से पता चल रहा है कैप्सूल बनाएगा, ठीक है ना। लिखो पोर्शन ऑफ डेसिडुआ बिटवीन द एम्ब्रियो एंड ल्यूमन ऑफ यूट्रस, एम्ब्रियो एंड बिटवीन, ये कहां होती है, बिटवीन एम्ब्रियो एंड ल्यूमन ऑफ यूट्रस, ठीक है बच्चों। दो हो गए हमारे पार्ट, ठीक है लास्ट है हमारा डेसिडुआ, लिख लो पहले इसको, कैप्सुलरिस को भी लिख लो, ठीक है डेसिडुआ थर्ड पार्ट पेराइटेलिस, PARIETALIS, थर्ड वन दैट इज डेसिडुआ PARIETALIS पेराइटल्स, पेराइटल बाहर वाली, ठीक है ना पेराइटेलिस, ठीक है ना। तो ये कहां होगी लिखो बच्चों, द रिमेनिंग ऑफ द डेसिडुआ, बचा हुआ जो बच गया सारा का सारा, दो तो ये आ गए, एक मायोमेट्रियम के पास आ गया और एक ल्यूमन ऑफ यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में आ गया, ठीक है ना। अब लिखो जो बचा हुआ है, रिमेनिंग ऑफ द डेसिडुआ दैट लाइंस द एंटायर प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस एक्सेप्ट, जो एक प्रेग्नेंट यूट्रस है अंदर से, ठीक है ना, उसको हर जगह से कवर कर लेगा वो, एक्सेप्ट एक जगह को छोड़ करके जहां से प्लेसेंटा बना होता है। लिखो एक्सेप्ट फॉर द रीजन वेयर प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, यानी कि लाइन करेगा एंटायर प्रेग्नेंट यूट्रस को, एक्सेप्ट वेयर द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, समझ आया, ठीक हो गया। केवल आपको इनके नाम याद रखने हैं, कहाँ होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, अभी आज हमारे पास टाइम कम था इसलिए मैंने एक छोटा सा पोर्शन कवर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैं ट्विन फॉर्मेशन, और उसके बाद ट्विन फॉर्मेशन के बाद हमारा पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ अ बेबी, और आपको लैक्टेशन, फिर हमारा एक ही टॉपिक बच जाएगा प्लेसेंटेशन, ठीक है ना।
प्लेसेंटा में आपको इकट्ठे समझाऊंगा उस कॉमन लेक्चर के साथ, यानी कि हमारा चैप्टर केवल दो लेक्चर का रह गया है, चैप्टर तो एक ही लेक्चर का रह गया, लेकिन हम एक एडिशनल लेक्चर लेंगे एक्स्ट्रा आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो कल जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन, ट्विन फॉर्मेशन और लैक्टेशन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। ये तीन टॉपिक हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ के आए, और अभी अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।